सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस कर दीजिए यहाँ पे जो बेल आइकन आ रहा है इसे जा, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास अपडेट आ जाए। हेलो गाइज, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग ऐपलॉक के बारे में, जिसका नेम अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। एंड अगर आपका फ़ोन बाय चांस किसी और के पास रह जाता है तो वो उस ऐपलॉक को ओपन भी नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना है एंड एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका नेम है उपस्लॉक। मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड मैं आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी दिखा देता हूँ। ये इजीली अवेलेबल है एंड ओनली 2-3 MB की ऐप है, सो जिसमें आपका ज़्यादा नेट भी खर्च नहीं होगा। सो इजीली आपको इसे डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओपन, आपको यहाँ पे ओपन पे टैप करना है। जैसे ही आप इसे ओपन पे टैप करेंगे आपके पास ये पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड एज के नोट, इसका मतलब ये जो है एप्लीकेशन ये आपके फ़ोन में के नोट नाम से इंस्टॉल होगी। वैसे तो इस ऐप का नेम उपस्लॉक है, लेकिन ये आपके फ़ोन में के नोट नाम से इंस्टॉल्ड होगी, जिससे कि आप अगर आपको कोई फ़ोन मतलब चलाता है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये वो ऐपलॉक हो सकता है। जो सेकंड पेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम की एज पासवर्ड। तो इस ऐपलॉक की यही स्पेशल खास बात है कि जो आपकी वॉल्यूम कीज़ होंगी मतलब कि अप एंड डाउन की, आपको उससे पासवर्ड सेट करना होगा। जो थर्ड है आप देख सकते हैं इसमें वर्चुअल होम बटन, वो ये है कि अगर आपके फ़ोन के ये वाले बटन्स ख़राब हो जाते हैं तो आप यहाँ पे वर्चुअल होम बटन भी ला सकते हैं, जिस मतलब वॉल्यूम बटन ला सकते हैं। सो यही है वो फीचर। चलिए हम अब इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। एंड जो लास्ट है इसमें दिया हुआ है इनकरेक्ट पैटर्न, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू एंटर्ड रॉन्ग पैटर्न प्रेस एनीवेयर ऑन द स्क्रीन एंड ट्राई अगेन। या फिर अगर जैसे कि अगर आपने पासवर्ड ऐसे कोई डाला एंड आप उसे भूल जाते हैं तो आपको 10 times ऊपर वाला बटन प्रेस करना है एंड उसके बाद आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा। जैसे ही आप ऐप लॉक को सेट कर रहे होंगे तब भी आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा। एंड अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको 10 times इस वॉल्यूम अप की को प्रेस करना है एंड वापस वो सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, तो आपका मतलब ये फॉरवर्ड पैटर्न हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेटअप पासवर्ड पे टैप करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऊपर 4 options मिलते हैं, 2, 3, 4, 5, आपको किसी पे टैप करना है। इसका मतलब यह है कि आपको कितने मतलब कीज़ का आपको पासवर्ड सेट करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे 3 keys का सेट कर देता हूँ या फिर मैं 2 key का सेट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको बस इस पे टैप करना है 2 पे एंड आपको वॉल्यूम की को दबाना है। जैसे कि अभी मैं दबा रहा हूँ एक बार फर्स्ट ऊपर वाली की एंड सेकेंड टाइम नीचे वाली, यानी कि एक बार वॉल्यूम अप एंड देन वॉल्यूम डाउन। इसके बाद आपको वापस यही डालना है, तो उसके बाद आपको वापस वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें अभी हमसे ये पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन है, इसमें ये आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देता हूँ व्हाट वाज द मेक ऑफ योर फर्स्ट कार। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी आप आंसर भर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा नेम ही डाल देता हूँ आप इसमें सुयश। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप दिख रहा है, आपको यहाँ पे टैप करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये ऐप ओपन हो चुकी है एंड आपके पास लिखा हुआ है एंटर द वॉल्यूम की पैटर्न टू ओपन द मेन एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कि नोट पैड सा ओपन हो गया है, लेकिन अगर आपको इस एप्लीकेशन में जाना है तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा, जैसे कि वो है वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। आप जैसे ही इन कीज़ को प्रेस करेंगे आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऐप लॉक इज़ ऑफ, तो अगर आप इस ऐप लॉक को चालू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर पे टैप करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है, पहले रेड कलर का था एंड आपको जिस ऐप पे भी लॉक लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे जैसे हम लॉक लगाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 options दिखाई देंगे, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट या कस्टम। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक चूज़ किया हुआ है, तो इसके बाद इस ऐप को आपको बंद कर देना है एंड आपको यहाँ पे जाना है। एंड जैसे अभी मैं खोलता हूँ कैलकुलेटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आ चुकी है एंड यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही ये स्क्रीन आएगी इसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, यानी कि जो भी आपका पासवर्ड है आपको उसको प्रेस करना है एंड उसके बाद आपका ये कैलकुलेटर या फिर जो भी आपका ऐप पासवर्ड लगाया है वो ओपन हो जाएगी। ये एक ऐसी ऐप है जिसका कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि आपका एक ऐसा पासवर्ड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अभी ब्लैक स्क्रीन आई तो यूज़र को लगेगा कि इसका फ़ोन हैंग हो चुका है, लेकिन असल में आपको जब पासवर्ड आप वॉल्यूम की से डालेंगे तो उसके बाद वो ओपन होगा। तो जो इसमें सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है वो ये है, जैसे कि अभी मैं वापस ओपन करता हूँ तो आपको वापस पासवर्ड डालना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक बैकग्राउंड के नीचे आपको 3 options मिल रहे हैं, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट एंड कस्टम। तो जो सेकंड है वो है ट्रांसपेरेंट। अगर मैंने अब जैसे ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद मैं आप कैलकुलेटर को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे आप देख सकते हैं आपके पास एक ऐसा ओपन हो चुका है। अब आपको लगेगा कि हमारा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर कुछ टैप करूँगा कहीं भी ये पे वर्क नहीं करेगा, ये एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जैसा आ गया है। इसके बाद आपको वापस अपना पासवर्ड डालना होगा, जो कि मतलब वॉल्यूम अप जैसे वॉल्यूम डाउन की है इसमें, उसके बाद ये आपका ओपन होगा एंड ये वर्क करने लगेगा। और जो इसमें थर्ड फीचर है वो ये है, जैसे कि मैं इसे वापस ओपन करता हूँ पासवर्ड डाल के,
जो थर्ड फीचर आपको मिलता है वो है कस्टम। आप इसमें गैलरी में जाके अपना ये सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भूत आया, आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को डराने वगैरह के लिए या फिर जिसको अंदाज़ा भी ना हो कि एक ऐसा हो सकता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा, आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा भूत आया, एंड आप यहाँ पे कहीं भी टैप कर लीजिए, ये ऐप ओपन एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। इसके लिए आपको अपना पासवर्ड एंटर करना ही होगा। जैसे कि अब मैं डालता हूँ ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, एंड इसके बाद ही हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। आप इस ऐप लॉक को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लैक बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ताकि किसी को शक भी ना हो कि इसमें ऐप लॉक लगा हुआ है। सो ये थी गाइस वो आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। We'll be right back.